वेलकम टू टी एन के व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट। इसमें वॉलनट्स हैं, एप्पल है और कैलॉग्स हैं, दूध है और अपने मनपसंद जो मर्जी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा मौसम ठंडा आ जाएगा तो बादाम, किशमिश ये सब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऑफिस के लिए टिफिन और फ्रूट्स और सैलेड रेडी हुआ। बाद में हमने मैंगो शेक बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बनाया। बहुत टेस्टी है ना? बच्चे अपना मैंगो शेक और बटर बहुत टेस्टी है, ब्रेड स्लाइसेस एंजॉय कर रहे थे, इनको अच्छा लगा। फ्रेंड्स आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो इतना ज्यादा हो रहा है जड़ से बाल निकल रहे हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे जड़ से ही बाल निकल रहे हैं। मेरा भी बहुत हेयर फॉल होता है यार, पता नहीं क्या होना आगे, बाल बचने भी है या नहीं बचने। बट मैं अपने घर में मतलब अपनी मदर इन लॉ को मैंने बताया, तो वो लोगों ने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने बचपन में ऐसे करते थे। तो वैसे मेरी मदर इन लॉ के बाल मेरे से ज़्यादा हैवी हैं और ब्लैक भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ऐसे करते थे, वो 4-5 सिस्टर्स थी, तो उनकी मदर ने मतलब मेरी नानी सास ने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करो, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो वो तीन चीज़ें बता रहे थे। लोहे की कढ़ाई में ओवरनाइट मतलब भिगोना होता है, 2 किलो पानी में, 2 लीटर पानी में वो चीज़ें भिगोनी है पूरा एक रात आयरन की कढ़ाई में, ठीक है। सुबह जो मैं अभी बताऊंगी चीज़ें उनको बॉईल करो अच्छा सा, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक बॉईल करके उसको ठंडा करके बॉटल को उस जो सामान है उसको ठंडा करके बॉटल में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कंटेनर में, और उससे सिर धोना है। अब क्या चीज़ें बॉईल करनी है, क्या चीज़ें डिप करनी है ओवरनाइट एक आयरन कढ़ाई में, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ है शिकाकाई, ये एक फली होती है शिकाकाई। फिर होता सूखा आंवला नंबर 2, नंबर 3 है बहेड़े। इन तीनों को आपने भिगोना है, जैसे 250-250 ग्राम तीनों की सेम क्वांटिटी ले लो और इसको डिप कर दो आयरन की कढ़ाई में, और फिर इसको सुबह उठ के बॉईल करके मतलब 2 लीटर पानी में बॉईल करो, इन सारी 2 लीटर पानी में डिप कर दो उसमें आयरन की कढ़ाई में, ठीक है, और सुबह उसको बॉईल करके ठंडा करके अपनी बॉटल में डाल लो और इससे आप अपने बाल धो। इससे क्या होगा, एक तो नंबर 1 हेयर फॉल रुकेगा, नंबर 2 हेयर शाइन आएगी, नंबर 3 इसमें आपका जो है जो ब्लैक हेयर होंगे हेयर फॉल रुकेगा, हेयर शाइन आएगा, हेयर ब्लैक होंगे और थिक भी होती है थिकनेस, जैसे मोटे होते हैं बाल, जैसे कहीं होंगे बहुत पतले होते हैं, मेरे भी बहुत पतले हैं, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम ये सब ट्राई करके देखो, ये बहुत पुराना नुस्खा है, तो आपके हेयर फॉल जो है ठीक भी हो जाएगा। मेरे को ना ऐसे भी लगता है जैसे प्याज लगाओ, मेथी दाना लगाओ या फ्लैक्स सीड्स का जेल लगाओ, तो उससे क्या होता है वो ना बालों में ही फंसे रहते हैं। बालों में फंसे रहने से ना वो जब वॉश 2-3 वॉश नहीं करते तब तक वो निकलता नहीं है, और खुद को भी बहुत अनईजी सा लगता रहता है। धोने के बाद भी कॉम करो तो कितना कितना धनिया मेथी दाना आता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है। अब ये ट्राई करके देखते हैं, मेरे को लगता है ये अच्छा वर्क करेगा, आप भी करना और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बताना अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट दिखे तो। थैंक यू। ये शिकाकाई फली है और ये सूखा आंवला है और ये अब आएंगे बहेड़े, इसे त्रिफला भी बोलते हैं। अगर पानी कम हो तो थोड़ा